यह हमारा घर है और आज घर पर मेरा एक दोस्त कुछ बनाने जा रहा है। चलिए देखते वो क्या बना रहे हैं छत पर, काफी प्रिपरेशन के बाद में जॉन। तो हम जा रहे हैं छत पर, देखते वो क्या बना रहे हैं कुछ स्पेशल हमारे लिए। ये है वो दोस्त जो बना रहे हैं कुछ स्पेशल हम सब के लिए, बच्चों के लिए। और ये है मिस्टर गबरू, मास्क बोलो। निंजा लग रहा है, तो नाटा निंजा। तो ये है हमारा कॉलोनी, उससे क्या बना रहे बोलो तो भैया, क्या बना रहे क्या है? इधर दिखाओ ना, इधर पूछो ना, बताओ ना। ये क्रेप्स को यहाँ से मैं क्रेप्स को लेना है, इसमें सामने से एक डालना है, एक डालना है स्वाद के अनुसार, स्वाद के अनुसार। और इसमें हम ऐड कर देंगे शुगर, जो इसका टेस्ट को बैलेंस में करता है। तो बस इसे हम अभी थोड़ा इसमें स्पाइसीनेस के लिए करेंगे, तो अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने एग डाला हुआ है, my dear friend Mr. Common। नीचे आग लगेगा तो काका उड़ जाएगा ना, बूम करके। केकड़ा कोरियन को क्या बोलते हैं, कोरियन में केकड़ा को क्या बोलते हैं बताओ तुम लोग, इन्हें कोरियन कोरियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ। चलिए ओप्पा केकड़ा क्या बोलते हैं, ओप्पा केकड़ा, गार्लिक चॉप हो गया, ओप्पा केकड़ा बोलते हैं कोरियन में केकड़ा को। This is open space kitchen। तो बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुका है। Where to high? Ugly। You ugly। तो मैं गैस को कम कर देता हूँ। Wow। पकौड़ी हो गया, केकड़ा का पकौड़ी, केकड़ा का पकौड़ी। तो इसमें मैंने कुछ भी कलर वगैरह यूज नहीं किया है, क्योंकि ये बच्चे खाएंगे तो ऐसे कलर इतना हेल्थी भी नहीं होता है। तुम लोग खाएगा केक दिखाऊंगा, अभी तैयार हो रहे हैं हमारे क्या था डबल हनी टोस्ट, केकड़ा हनी टोस्ट, क्या हनी टोस्ट फ्राई के। खाने मन खाने देते इसको, पकने से पहले खाएगा बोल रहे हैं। यूगर इतना सुंदर दिख रहा है, क्या क्या डालेगा भाई? गार्लिक, गार्लिक बोले तो लहसुन, लहसुन भी फ्राई चिली, लुक एट द प्रोफेशनल हैंड मूवमेंट।
ये भी तो गिर गया। देखिए ये हनी टोस्ट स्पी क्रैप्स, तो आप अभी इसे घर में भी बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। जबकि अभी लॉकडाउन के समय में बच्चे को ये सब खिलाए, बहुत ही हेल्दी फूड है ये। हेल्दी तो नहीं है, इट्स वेरी ऑयली, इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो बच्चा लोग कोई मत खाना, दिस इज ओनली फॉर मी। तुम खा लेगा बाद में, वीडियो बना दे रहा। दिस इज माइन, आई कुक दिस। और बना ना, इधर है ना वीडियो, देखो इसका फोटो खींचेंगे। ये क्या बना रहा अभी? फिर से उसके लिए मतलब काफ़ी सारे आइटम बनाने होंगे उसके लिए। आप चटनी बना रहे हैं, चटनी के लिए सबसे पहले डाला हमने ऑयल, उसके बाद अदरक, देन लहसुन। लहसुन अंतरयामी और चालू गए चिली। हुई तो ये आप केकड़े का खोल है ना, जिसको कवर तो ये रेसिपी मैंने भी बनाया, क्योंकि मैंने एक हाथ डाला है केकड़े का, तो मतलब ये रेसिपी में मेरा भी हाथ है। मैं भी एक अच्छा कुकर हूँ, आई कैन कुक यू, आई एम ए ग्रेट कुकर, आई कैन कुक यू, आई कैन कुक योर ब्रदर, आई कैन कुक योर सिस्टर, आई कैन कुक एवरीवन, बिकॉज़ आई एम ए वेरी गुड कुकर। तेरा काका के लिए कुछ ही देर में ये पक जाएंगे। ये हमारे केकड़े के कवर है ना, खोल होते हैं वो है, उसके हाथ तो उसके हाथ है, उसके खोले तो ये बन रहा है चटनी। क्या हनी टोस्ट केकड़ा का चटनी, थोड़ा कैलोरीज बंद करो। ये क्या योगा है, केचू वाला योगा? व्हाट काइंड ऑफ योगा इज दिस? मिक्सर में, मिक्सर में डालेंगे करेंगे ग्राइंड। आफ्टर ग्राइंडिंग के बाद ये रिजल्ट आया है। आप इमेजिन कर लो कि आपको ये क्या दिख रहा है, पर स्वाद कैसा होगा मुझे नहीं पता, पर दिखने में तो सब समझ गए होंगे कि ये किस तरीके का दिख रहा है। तैयार हो गया हमारा क्रिस्पी हनी टोस्ट क्रैप। तो यहाँ भुक्कड़ लोग बैठे हुए हैं, जैसे लंगर में बैठते हैं। ये ग्रेसू, ये है एंजू, ये है गेबू गबरू और ये कमलू सेफ, मास्टर सेफ। मेरा मोबाइल किधर है? मैं खाने तेरा फोन का है। ये क्रिस्पी हनी टोस्ट क्या फ्राई है ना, क्या नाम है, वॉट एवर। चलो तो हम अरुणाचल में रहते हैं, तो पेप्सी के बिना तो हर पार्टी हर खाना अधूरा है। तो पेप्सी भी यहाँ पर तैयार है बच्चों के लिए, और बच्चों के ये ओपा वाले एक्टिंग विद कोरियन स्टिक, पता नहीं क्या चॉप स्टिक। गेबू बताओ कैसे है, बताओ कैसे ग्रेस। तो हो गया, एक एक पीस खा लो और बाकी वापस करो।